हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और उसी चुनाव के तहत, उसी चुनाव के मद्देनज़र हर पार्टियां इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि किस तरीके से जीत का जो सेहरा है वो सर पर बांधा जाए। तो इसीलिए हर कोई पार्टी तैयारियाँ कर रही है, समीकरण बना रहे हैं, इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों का लिस्ट भी जारी कर रहे हैं और हर किसी को, यानी लोगों को जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो है हम पर ही भरोसा करें और हमें ही वोट देकर जो है हमें असेंबली तक पहुंचाएं। लेकिन बात करेंगे कि एआईएम की पार्टी इस बार बहुत तेजी के साथ उभर रही है और उसी को, उसी चाहत को या उसी उभरते हुए जो कैंडिडेट है उनकी जो लोकप्रियता है उनको कम करने के लिए कांग्रेस एक चाल चल रहे हैं, एक दांव खेल रहे हैं। और वो दांव ये है कि एक ऐसा चेहरा पेश कर रहा है बिहार के अंदर स्टार प्रचारक के रूप में, कि इससे जो है ये माना जा रहा है, कांग्रेस के लोग ये मान रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि ये जो है बताया जा रहा है कि इससे जो है वैसी के जो चाहत, वैसी के जो लोकप्रियता है या वैसी के जो वोटर्स है उसके अंदर ये बिखराव पैदा कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान प्रताप गढ़ी के बारे में। बहुत बड़े शायर है, नो डाउट, अच्छे अच्छे कलाम पढ़ते हैं, अच्छे स्पीकर भी हैं, अच्छे बोलते भी हैं, लोगों की चाहत है और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ना सिर्फ बिहार के अंदर ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दूसरे कंट्री के अंदर भी। लेकिन बात करते हैं, वो सिर्फ कलाम की बात है, वो सिर्फ अशार की बात है, वो शेरों की बात है, वो शेर शायरी की बातें हैं। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो आसान नहीं होगा कि वैसे की वोटों का काटना या फिर उनकी चाहत को कम करना। और यही इसीलिए जो है स्टार प्रचारक के रूप में बिहार के अंदर, स्पेशली सीमांचल के अंदर जो है पेश करने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इमरान प्रताप गढ़ी को लोग पसंद करते हैं। अब ये देखना होगा कि इनके पेश करने से क्या वैसे की लोकप्रियता में कमी आएगी या फिर उनके जो वोट बैंक जो तैयार हो रहे हैं और बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं, नो डाउट, अब लोग मान रहे हैं। अभी पहले ये था कि सिर्फ बातें होती थी, लेकिन अब जो है लोग इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, लोग इस चीज को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आसान नहीं होगा सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को रोक पाना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। और इसी की लोकप्रियता कम करने के लिए जो है वो इमरान प्रताप गढ़ी जैसे लोगों को पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है बेहद लोकप्रिय है इमरान प्रताप गढ़ी और ये माना जा रहा है कि उनको अगर पेश करके बिहार के अंदर लाया जाए तो इससे जो, क्योंकि एक बड़ा तबका उनको सुनने आते हैं, उनको देखने आते हैं और जब उनको सुनेंगे तो जो है लोग उनकी बातें को मानेंगे तो इससे जो है कांग्रेस को मुनाफा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा या फिर महागठबंधन का फायदा होगा और एआईएम का नुकसान होगा। अब ये देखना है कि किस तरीके से वो एआईएम की पार्टी की जुबानी करते हैं या बयानी करते हैं इमरान प्रताप गढ़ी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या वो भी कहेंगे कि एम की पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्या वो भी कहेंगे कि उन्हें वोट ना दें नहीं तो एनडीए जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार के लोगों से मैं इतना कहूंगा कि शायद आप में से, क्योंकि नो डाउट मुसलमानों की एक बड़ा तबका बिखरा हुआ है, 5 से 6% बीजेपी को पसंद वोट कर देते हैं, एनडीए को वोट सपोर्ट करते हैं मुसलमान, बहुत बड़ा तबका आरजेडी को पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं, बहुत बड़ा तबका पप्पू यादव की पार्टी को पसंद करते हैं और बहुत बड़ा तबका जो है वो एम को भी पसंद करते हैं। तो अब ये देखना है कि इस बिखराव के अंदर, लेकिन हालांकि अभी सीमांचल के अंदर जो एकजुट नजर आ रहे हैं और इसका जो फायदा है वो एम को मिलने वाला है और इसी को देखते हुए वो इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर दाव खेल रहे हैं और उसे लोकप्रिय चेहरा बनाकर स्टार प्रचारक के रूप में पेश कर रहे हैं बिहार असेंबली चुनाव के स्टार प्रचारक के रूप में। अब इससे जो है एमआईएम के जो चाहने वाले हैं शायद उनको अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कि किस तरीके से फैन को या वोटर्स को उनके खेमे में या उनके पाले में जाने से रोका जाए, कितनी मेहनत की जाए कि उनका इफेक्ट जो है लोगों के दिलों पर ना पड़े या लोगों को जो है वो कन्वेंस ना कर पाए। ये देखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा एएम के सपोर्टर्स को भी और एमआईएम को भी, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी जो है वो इसी पर्पस से बिहार के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। आप क्या कहते हैं, इसका कितना इफेक्ट होगा? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा पर्सनली, अगर मेरा ओपिनियन पूछे, क्योंकि और गठबंधन करने से स्पेशली मैम और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, ये भी आपको मानना होगा, क्योंकि बीएसपी के जुड़ने से बहुत जो दलितों का एक बड़ा तबका है वो जो है ट्रांसफ़र करेंगे वोट एमआईएम को, सपोर्ट करेंगे और लगभग कई करोड़ जो है वो आबादी है दलितों की, तो अगर मुसलमान और दलित 50-50% भी मिलकर सपोर्ट करते हैं तो एमआईएम को जो है बड़ा फ़ायदा और
बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन आप क्या कहते हो, आपका ओपिनियन क्या है, इमरान प्रताप गड़ी आने से कितना नुकसान होगा, क्या सही में इनके वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे या जो सोच के वो आ रहे हैं या वैसी की लोकप्रियता को कम कर पाएंगे, ये जो है आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।